ट्रांसपेरेंट फोन, मतलब सुनने में और सोचने में यार कितना मस्त लगता है ना कि भाई ट्रांसपेरेंट फोन होगा, ऐसा कोई हमें डिवाइस होगा, जैसे अब बहुत सारी मूवीज में, हॉलीवुड के मूवीज में आप देखते होंगे ऐसा डिस्प्ले, ऐसा फोन, ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो भाई हम उसके बारे में बात करते, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आए जिसको भाई हम ट्रांसपेरेंट हो, हमारा फोन हो या कोई हो जिसको हम आर पार ऐसे देख सकते हैं और मस्त उसका डिस्प्ले हम जो भी यूज कर रहे हैं उसको देख पाए, भाई कितना कूल लगता है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्यों हो सकता हो तो क्यों, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, हो सके तो लाइक वाइक कर दिया करो यार। सबसे पहले बात करते हैं भाई, अगर ट्रांसपेरेंट फोन नहीं आ सकता है तो क्यों, इसकी क्या क्या वजह है। तो यहाँ पे कुछ वजह है जो यार इसके बीच में कह सकते हो ससुरे रुकावट बने हुए हैं, जिसकी वजह से यार ट्रांसपेरेंट फोन पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर नहीं देखा जाए तो इन्हीं की वजह से नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो इन्हीं की वजह से। जैसे हमारा भाई कैमरा, कैमरा का जो सेंसर है वो भाई ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है भाई, अगर फ़ोन में कैमरा मत लो तब तो अलग की बात है, बट अगर आपके फ़ोन में कैमरा है अगर चाहते हो वो ट्रांसपेरेंट रहे तो भाई उसके जो सेंसर्स होंगे ना वो ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट सेंसर कैसे बनेंगे। अगली चीज़ जो बात करते हैं फ़ोन के और जो उसमें पार्ट्स हैं, हमारी बैटरी, भाई कौन सी बैटरी इसमें ट्रांसपेरेंट होगी, उसके कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, ये एक दूसरी प्रॉब्लम। ये हमारा जो सिम कार्ड है उसमें भी आप देखते होंगे भाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स मेटल्स यूज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसके देखो जो सिम है इसका तो कोई तोड़ है, जैसे ई सिम्स वगैरह इसी हो सकता है तो ये हो सकता है, बट अगर फिजिकल लगता है तो ये भी उसमें रुकावट करेगा। जो हमारा स्पीकर है, माइक है जिसे हम कॉल सुन पाते हैं या हमारा जो आवाज़ है वो सेंडर को जा पाता है, तो वो हमारा जो माइक और स्पीकर है वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है बट ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। हमारा जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें हैं हमारे फ़ोन में जो भाई ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है, उसको ऐसे कुछ तो ऐसे मेटल से ही बनेगा, ऐसे मटेरियल से ही बनता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से नहीं बन सकता। अभी देखो काफ़ी लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए बट एक्चुअल नहीं है, कैसे जैसे हमारा फ़ोन यहाँ पे दिख रहा ना हमें तो इस आर पार दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो हमें उस साइड भी दिखेगा, ये कैसे टेक्नोलॉजी है, मतलब ये कैसे यूज़ कर रहे हैं लोग, क्योंकि इधर से आप देखोगे ना तो पीछे का वो कैप्चर करके और आगे का दिखा देते हैं, बीच का समझ लो ऐसे गायब सा हो जाता है, तो भाई वो ट्रांसपेरेंट नहीं कहलाएगा। पीछे से आप कैप्चर करके या सामने वाले को आप ऐसे डिस्प्ले कर रहे हो जो उसको इल्यूज़न होगा, ऐसे लगेगा कि हम यहाँ से देख रहे हैं पीछे दिख रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है लोगों को ये शो करने के लिए और फील दिलाने के लिए भाई ट्रांसपेरेंट है, बट ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं हुआ ना, उस चीज़ को डिस्प्ले आगे कर दिया जा रहा है तो हमें लग रहा है कि इधर से उधर ट्रांसपेरेंट है। तो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं बन सकता है हमारे फ़ोन्स या हमारे डिवाइसेस या हमारे और कितने भी गैजेट्स हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे चीज़ें हैं जो उसको ट्रांसपेरेंट मतलब बनने में प्रॉब्लम कर रही हैं। यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंट हो सकता है क्या, तो देखो भाई इसकी अब देखो आज के टाइम में कुछ भी ऐसे इम्पॉसिबल सा नहीं है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखो ये भी चीज़ हो सकता है पॉसिबल हो, बट पॉसिबल होगा तो कैसे, तो इन सारे चीज़ों का कैसे होगा, तो भाई देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि ये जितने भी हम मैंने चीज़ें बताया जैसे माइक हुआ और कैमरा हुआ हमारा और जो सीपीयू हुआ या सिम कार्ड हुआ, इन सब चीज़ों का कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमें निकालना पड़ेगा, जैसे कैमरा का हुआ, स्पीकर्स का हुआ, ई सिम्स का हुआ, अगर या फिर उसको इतने छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में बनाया जाए जो हमें ना दिखे या उसको हम हाइड कर सकें या ई सिम यूज़ कर पाएँ या स्पीकर का कोई और हम ऐसे अल्टरनेट उसका कोई मेथड इस्तेमाल कर सकें जिसको हम सुन सकें बट वो ना हो, तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ों को हम अगर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाती है हम उसको मिनिमाइज करते जाएंगे उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, तो आगे जाके बहुत हद तक हमें ये टेक्नोलॉजी देखने को ज़रूर मिलेगी। टेक्नोलॉजी भाई इतना मतलब ऐसी चीज़ है ना जो मतलब कुछ भी कर सकती है, तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबल है, बट आज के टाइम में तो अभी तो मुझे नहीं पता, आप लोग भी देख रहे होगे आप लोग को भी ऐसा दिखते हुए अभी तो नहीं लग रहा है, बट आगे टाइम में ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते होते मतलब हमें वो चीज़ कुछ हद तक देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक तो बनता है कि नहीं, तो बस आज मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।